आज मैं बना रही हूँ आलू चॉप रेसिपी। इसको आप किसी भी समय ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैक्स में बना सकते हैं। नमस्कार, भूमिज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ये बहुत ज़रूरी है। अभी देखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है 1 कप। इसमें हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून। अभी इसमें मैं 1 चम्मच छोटी चम्मच जीरा डालूंगी। अभी इसमें हम 1 बड़ा चम्मच जो है चावल का पाउडर डालेंगे। इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा लेना है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए हम पानी मिलाएंगे और एक घोल बनाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा मसालेदार बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। तो अभी देखिए, इसी तरह से आपको घोल बनाना है, बिल्कुल भी लम्स वगैरह ना रहे, ऐसे ही कंसिस्टेंसी में आपको ये वाला घोल जो है तैयार करना है। अभी यहाँ पर मैं आलू ले लिया है मैंने, और गाजर को ऐसे छील के दोनों तरफ से काट के इसको मैं उबाल चुकी हूँ, और आलू 2 उबाल चुकी हूँ। इसको हम अच्छे से छील लेंगे। ये खाली आलू से बनता है, लेकिन मैं और थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैं गाजर डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो ग्लास की सहायता से इसको मैश कर सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता और 2 कटी हुई हरी मिर्च। अगर छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसको हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। नमक हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी, मतलब 1 छोटा चम्मच या फिर आपके स्वादानुसार। और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच। अभी इसमें हम डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। यहाँ पे छौंक लगाने के लिए मैंने सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दी है। और यहाँ पे सरसों का दाना, जीरा और हींग डाल के इसको हम थोड़ी देर चटकने के बाद, ये जो मिक्सचर था इसमें हम डालेंगे आलू में। तो अभी इन सभी को मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो स्टफिंग है हमारा रेडी हो गया है। अभी इस मिश्रण को हम छोटा छोटा बॉल बनाएंगे। बॉल बनाते समय आपके हथेली में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और ऐसे बॉल तैयार कर लें। अभी एक एक करके हम बॉल को बेसन का जो घोल बनाया हुआ था इसमें हम डाल देंगे। अभी जो घोल था इसको अच्छे से कोट कर देना है। यहाँ पे मैं तेल गरम करने के लिए रख दी थी पहले से, तेल ऑलरेडी गरम हो चुका है। और इसमें चम्मच से हम एक एक करके आलू चॉप को इसी तरह से डाल देंगे तलने के लिए। इस समय गैस का फ्लेम जो है मीडियम हाई रखें। भी थोड़ा सा 5 मिनट पकने के बाद इसको पलटना है। तुरंत ना पलटें क्योंकि थोड़ा सा तले से लग जाता है, तो इसलिए लगभग 5 से 6 मिनट के बाद इसको इस तरह से पलटना है, ताकि ये पूरी तरह से अच्छे से फ्राई हो जाए हर तरफ से। तो ऐसे घुमाते हुए इसको फ्राई कर लेना है। इस समय गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखें और लगभग आपको 6 से 7 मिनट लग जाता है एक बैच को तलने के लिए। तो थोड़ा सा गोल्डन होने तक इसको तलना है। अभी इसको हम निकाल लेंगे। अगर आप चाहे तो इसको ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर स्नैक्स में बना सकते हैं। तो अभी हमारा आलू चॉप जो है रेडी है खाने के लिए। तो एकदम क्रिस्पी और
टेस्टी बनी है। इसको आप टमाटो केचप या फिर चटनी वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।